पते की क्या है, बात पते की ये है कि तुम जिंदगी में आए हो, ऐसे ही मत मर जाना। मरना तो प्रभु का नाम लेकर मरना, ताकि संसार में कहें कि एक हमारे बीच का भक्त चला गया है। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सो पाओगे। एक बात और, यार मरने के पहले, यार मरने के पहले तू मर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, काम कुछ ऐसा कर जा, सीता राम नाम सुमरन कर भव सागर से तर जा। मरना ही है तो जीवन में, मरना तो सबको ही है, पर ऐसे ही मर गए तो क्या खाक मर गए, तो मरना भी तो ऐसा काम करके मरना के माता पिता और तुम्हारा परिवार गौरवान्वित महसूस करे। बाप के नाम से तो कई पुत्र जाने जाते हैं, अमुक व्यक्ति का बेटा है, बहुत बड़े आदमी का बेटा, नेता का बेटा, अधिकारी का बेटा, पुलिस का बेटा, बहुत अच्छी बात। बाप के नाम से तो कई पुत्रों को जाना जाता है, अब वो पुत्र किसी काम का नहीं जो बाप के नाम से जाना जाए, बेटा तो वही काम का है जो बेटे के नाम से बाप को जाना जाए। नाम ऐसा कमाओ, यश और कीर्ति ऐसी पाओ कि व्यक्ति बोले ये अमुक व्यक्ति के पिताजी, वो जो लड़का है ना उनके ये पिताजी। आहा महाराज, सुखदेव जी के पास देवता आए, अमृत ले लो, अमृत कथा हमें दे, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि 7 दिन का मौका सागर वालों को मिला है, चूकना मत, बार बार मौका नहीं मिलता है, अब चूक गए तो फिर क्या पता कब ठिकाने लगोगे। 7 दिन की भागवत, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें घनश्याम से। टाइम तो मिलना ही नहीं है, लेकिन 7 दिन का मौका निकालकर जरूर बैठना, क्या ठिकाना अगली कथा कभी हमारी जिंदगी में हो पाए या ना हो पाए, इसलिए 7 दिन हमारी जिंदगी के खूबसूरत हो जाने चाहिए और प्रभु के नाम में रंग जाना चाहिए। परीक्षित जी बताओ, अमृत पियोगे कि कथा अमृत, फायदा किसमें है? बोले देखो, अमृत पियोगे मरोगे नहीं, पर मरने का भय नहीं जाएगा, दुख लगा रहेगा, कथा अमृत पियोगे तो 2 फायदे, क्या? जीते जी मुक्त हो जाओगे। एक बात और, विद्वान बैठे हैं, सभी विद्वानों के सामने चरणों में हम निवेदन करें। कई लोग कहते हैं महाराज ऐसी कृपा करो कि मरने के बाद मोक्ष मिले। हमें बड़ी हंसी आती, मरने के बाद मोक्ष मिला भी कि नहीं ये देखने कौन जाएगा। हमारा मानना है मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त हो जाओ, इसी का नाम मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, ईर्षा मत्सर सम्मान पाना, लोभ दंभ द्वेष, इनसे मुक्ति पाना ही तो मोक्ष है। लेकिन मरने के बाद जीते जी, जब तक जिंदा है उसी जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी तभी संभव है जब हम गोविंद की कथा सुनेंगे और हमारा मन गोविंद के चरणों में लगेगा, तो संसार से मन अपने आप हट जाएगा।